विकल्प स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकल्प प्रॉपर्टी ब्लॉग में। दोस्तों हम आ चुके हैं एक बार फिर से राकेश सर के पास में, और राकेश सर राधे राधे का स्वागत। तो दोस्तों हम आ चुके हैं साई राम डेवलपर्स के ऑफिस में और हमारे साथ है राकेश सर। सर राधे राधे का तो सर सबसे पहले तो ऑफिस का एड्रेस बताइए, जो मेन ब्रांच है आपकी फरीदाबाद की उसका भी और यहाँ वृंदावन का भी। बिल्कुल भाई, मेरी जो ऑफिस है जो समझिए कि सेक्टर 37 फरीदाबाद पिलर नंबर 60 के बिल्कुल मेन हाईवे पे होना है सेक्टर 37 में, और जो ये हमारी ऑफिस होने वाली है मेरे वृंदावन की बिल्कुल मतलब बिल्कुल पास में होने वाली है, छठी कला के चौराहे से जी बिल्कुल सर्विस रोड पे 20 मीटर ही कह सकते 20 मीटर दूरी होगा, पेट्रोल पंप मैं पास में से बिल्कुल जस्ट बगल में होने। तो दोनों ही ऑफिस का सर ने एड्रेस बता दिया, आप चाहो तो डायरेक्ट ऑफिस में भी आ सकते हो। आप बताइए अपने पास में कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और किस किस बजट के प्रोजेक्ट है हमारे पास में। बिकल भाई अपने पास में करीबन 40 प्रोजेक्ट का मुझे चल रहा है, राउंडिंग में 40 प्रोजेक्ट है जिसमें एक नए प्रोजेक्ट हमने लगाए हैं ये जी बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल बीच बीच में लाए हैं करीबन 6 एकड़ में होने वाले प्रोजेक्ट होंगे जिसमें कि रोड बिजली पानी मंदिर स्कूल बराबर सारा इसमें बना के देने वाले हैं, और ये रोड के बाद में कम से कम 30 फुट 27 फुट रोड होने वाली है, और एक पार्क है एक मंदिर है और समझिए कि नाली है उसका समझिए कि सीवरेज भी काम कराएंगे और बाउंड्री भी करा के ग्रीन भी करा के देना। तो रजिस्ट्री सर हमारे पक्की मिलती है ये सारे हमारी भरा पड़ा है, और जो रजिस्ट्री देख रहे हैं सब पर रिसीव लिखा क्लाइंट को जिसको दे देते हैं देख उनसे रिसीव लिखवा देते हैं। क्लाइंट ने रजिस्ट्री ले ली रिसीव है ये सारे ये एकदम सब में देखे पड्डे का 5-6 रजिस्ट्री होती है कम से कम। तो यहाँ पे सर ये बताइए मतलब अपने पास आप रजिस्ट्री नहीं रखते 50% पे करा के। मैं रजिस्ट्री में 50% रजिस्ट्री कराते रजिस्ट्री में साथ में देता हूँ कस्टमर को दे देते हैं मतलब ये नहीं कि कस्टमर का पैसा बाकी है तो अपने पास रजिस्ट्री होल्ड नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल भाई हमारे यहाँ की देखिए सब बिहारी जी का आशीर्वाद होना चाहिए हमारे ऊपर कृपा बनी रहनी चाहिए और बिल्कुल जितनी भी आपकी सबकी, और हम लोग 50% पे रजिस्ट्री कराते हैं 50% पे रजिस्ट्री देते हैं। तो सर बिना देरी किए चले थे साइट पे। बिल्कुल दोस्तों हम आ चुके हैं साइट पर, और राकेश सर अब थोड़ा सा डिटेल में लोकेशन समझाइए साइट की क्या पड़ेगी। देखिए अभी विकल्प भाई हम खड़े हैं, देखिए सामने अजय स्टेशन सामने है, सामने ही अजय स्टेशन है, ट्रेन खड़ी दिख रही है यहीं से, और ये बाउंड्री भी सर अजय स्टेशन की रेड वाली बाउंड्री की है, और देखिए सामने जो बसें जो चल रही है सामने NH2 मथुरा रोड हो गया जो कि यहाँ से करीबन 300-400 मीटर की दूरी पर यहाँ से होने वाली है। यहाँ से 300-400 मीटर की मात्र दूरी पर मथुरा हाईवे है, और आपका देखिए ये जो रोड आ रहा है सर ये कितने फीट का काला, ये 40 फीट का रोड होने वाला, ये रोड निकल जाएगा सीधे स्टेशन पर निकल जाएगा जो इधर का रोड जाएगा देखिए भैया उधर इधर आप दिखाते हैं तो सामने NH2 मथुरा रोड निकलने वाली है। तो ये सीधे मथुरा रोड से ये गाड़ी भी मथुरा रोड से आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम आ जाते हैं एंट्री पे, तो देखिए दोस्तों 40 फीट का रोड सर ने दे रखा है एंट्री पे, तो यहाँ पे आपको 40 फीट के रोड की कनेक्टिविटी मिलेगी, अब बाहर भी 40 फीट और अंदर भी 40 फीट। तो सर ये तो मेन रोड हो गया 40 फीट का जी, और अंदर का भी रोड 40 फीट का हो गया, अब कितने कितने फीट के रोड अंदर दे रखे हैं? अंदर 25 फीट का रोड है। बिकल भाई मैं आपसे कहूंगा देखो आप जहां तक आपको नजर आ रहा है बाउंड्री का देखिए, जहां तक आपको नजर आ रहा है देखिए इसके पीछे तक देखिए सामने वो जी ये पूरे हमारी 100 एकड़ का प्रोजेक्ट पूरा मतलब होने वाली है, मतलब दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही है जो बाउंड्री दिख रही है ये इस प्रोजेक्ट की ही बाउंड्री होने वाली है। दोस्तों हम पूरा जूम करके दिखा रहे हैं आपको। बिकल भाई ये 143 अप्रूव होने वाली, सबसे पहले फैसिलिटी के बारे में बात आप होता, सबसे पहले यहाँ पे रोड बिजली पानी मंदिर स्कूल बरातघर कमेटी सेंटर, और विशेष समझिए कि अपने पूर्वांचल के भाइयों के लिए यहाँ पे छठ घाट की व्यवस्था, छठ घाट भी मिलेगा साइट के अंदर, छठ घाट मिल जाएगा, पार्क मिल जाएगा, मंदिर मिल जाएगा, स्कूल मिल जाएगा, बस सारे आपको यहाँ पे व्यवस्था होने वाली है। 143 अप्रूव होने वाली है, और सबसे बड़ी बताऊँ आपको कि पूरे वृंदावन में इस प्राइस में कोई देता है तो समझिए प्लॉट भी फ्री है। क्या बात है सर, अगर इस प्राइस में मतलब चैलेंज कर दिया कि प्लॉट फ्री हो जाएगा। और विकल्प भाई अगर हमने 40 फुट के रोड दिए हैं तो कुछ सोच के हमने रोड रखे हैं, ये आने वाले समय में समझिए कि यहाँ पे हम समझिए कि यहाँ पे फार्म हाउस बनाने वाले हैं 500-600 गज के जो कि MBDA अप्रूव होने वाली जो कि पूरे वृंदावन में इससे सस्ता कोई MBDA अप्रूव मतलब आपको यहाँ पे देने वाला भी नहीं है। तो अब सर बात करते हैं इम्यूनिटीज की, अगर यहाँ से मैं मार्केट स्कूल हॉस्पिटल की बात करूँ कितनी दूरी पर है? मैं हॉस्पिटल की बात करूँ तो यहाँ से समझिए कि मात्र समझिए कि आपको मुश्किल से 3-4 मिनट की दूरी होने वाली है, और वृंदावन अगर जाना चाहते हैं बिहारी जी का मंदिर दर्शन करना चाहते हैं तो करीबन 7-8 मिनट की दूरी यहाँ से मतलब होने वाली है। प्रेम मंदिर भी लगभग इतना ही पड़ेगा, लमसम ये पड़ने वाले। और वैष्णो माता मंदिर सर कितना पड़ेगा? हमारी जो वैष्णो माता जी का जो मंदिर पड़ेगा वो करीबन वो भी 8 किलोमीटर के आसपास लमसम मतलब पड़ने वाला है, मतलब मोटा माटी उतनी ही डिस्टेंस है जो बाकी मंदिरों का है। और यहाँ से सर आप बता रहे हो किलोमीटर में, एक बार सर समय और बता दीजिए क्योंकि जो लोग दिल्ली NCR में रहते हैं उन्हें 8 किलोमीटर जाने में भी कभी कभी आधा घंटा लग जाता है। ये NH2 मथुरा रोड है, तो आप लगाइए कि यहाँ पे मतलब प्लग गिरा और गाड़ी यहाँ से पार, तो आप लगाइए कि यहाँ से अगर मैं किलोमीटर की बात करूँ तो यहाँ से करीबन समझिए कि 7 किलोमीटर यहाँ से पड़ने वाली है मतलब छठी ग्रह पड़ने वाली है, और बिहारी जी का मंदिर की बात करूँ तो कम से कम मंदिर जो पड़ेगा यहाँ से करीबन समझिए 12-14 किलोमीटर यहाँ से पड़ने वाली है। और कितना समय लगेगा सर? समय की बात करूँ तो अगर आप माता विष्णु जाना जहाँ चाहते हैं तो 6-7 मिनट लगेगा, और प्रेम मंदिर जाना चाहते हैं तो करीबन 10-12 मिनट लगेगा। 10-12 मिनट की दूरी पर प्रेम मंदिर यहाँ से होने वाला है दोस्तों।
सुविधाएं सारी मिल रही हैं आपको साइट पे, बड़ी साइट होने जा रही है, अंदर भी सर छठ घाट पार्क वगैरह मंदिर सब कुछ दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये 40 फुट का लॉकडाउन रोड बनवाने वाला हूँ, बाउंड्री पूरा करा के देंगे आपको, सीसी कैमरा गार्ड मिल जाएगा, एक मंदिर है, एक पार्क है, स्कूल है, छठ घाट है, मतलब सारी व्यवस्था आपको मंदिर करा के यहाँ पे देने वाला हूँ। और अंदर सर बिजली वगैरह भी चालू करा के देंगे सारी चीजें, मतलब होता है कि रोड, बिजली, पानी, मंदिर, स्कूल, बरातघर, कम्युनिटी सेंटर सर आपको मिलने वाला। और सबसे पहली बात है विकल भाई कि यहाँ पे अपने पूर्वांचल के भाइयों के लिए विशेष समय के यहाँ पे छठ घाट के हमने मतलब व्यवस्था हमने दे रखे हैं। क्या बात है सर, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे साइज क्या क्या है हमारे पास में। साइज के बाद बिल्कुल भाई यहाँ पे करीबन करीबन 70 गज की मतलब एक प्लॉट होने वाली है, फिर 128 गज की होने वाली, फिर 213 गज की होने वाली, फिर समझिए उसके बाद प्लस मतलब बड़ी बड़ी प्लॉट है। 70 गज का ही मिलेगा हमें ये, 70 गज की भी है, उसके बाद 128 गज की है, फिर 150 गज की है, फिर 213 गज की है, कई तरह के प्रोजेक्ट मतलब कई तरह के मतलब आपको मिलने वाला है। ये बताइए सर, जैसे कि कोई 40 फीट पे लेता है या 25 फीट पे लेता है तो रेट में क्या कोई डिफरेंस है? नहीं रेट में कोई नहीं, हमारे बिल्कुल मतलब फिक्स एक ही रेट होती है दोनों, मतलब चाहे 25 पे लें चाहे 40 पे लें एक ही रेट होने वाला है, यानी किसी भी रोड पे लेते हैं एक ही रेट पे। बिल्कुल। तो 70 गज की बात करते हैं सर, कैसा कैसा पेमेंट प्लान हमारा होने जा रहा है थोड़ा बताइए। यहाँ पे मात्र 50% पैसे देके पहले आपको रजिस्ट्री करानी है, और 50% के लिए आपको 2 से 3 महीने का टाइम मिलेगा। 2 से 3 महीने मिल जाएंगे 50%। और क्या रेट होगा यहाँ पे सर, गज का क्या रेट हुआ? रेट के बारे में मात्र समय यहाँ पे 7100 के यहाँ पे रेट यहाँ पे होने वाली है, और 5100 देकर अपने मतलब आप टोकन बुकिंग मतलब करा सकते हैं। 5100 से बुकिंग हो जाती है। और सर एक चीज और बताइए, कई लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है, सपोज 5100 से मैंने बुकिंग कर दी, 2-3 दिन बाद मेरा मूड बदल गया तो क्या रिफंडेबल होता है? नहीं होता सर, इसकी एक हफ्ते के मतलब इसकी पर्ची पे लिखी होती है, हमारी टोकन जो हमारी जो अपनी रसीद बुक होती है साइन डेवलपर की, उस पर लिखी होती है, आपको एक हफ्ते के अंदर अगर आपको अगर नहीं पसंद पड़ता है तो आपके पैसे मतलब रिफंड है। एक हफ्ते के अंदर ठीक है सर। 70 गज का प्लॉट की अगर पूरी कीमत की बात करूँ कितने का पड़ेगा? 497,000 रुपये का पड़ेगा, यानी 498,000 रुपये का पड़ेगा। मोटा मोटी मान के चलिए कि आपको जो पेमेंट करनी है आपको 2.5 लाख के आसपास देकर अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। 2.5 लाख रुपए देकर के रजिस्ट्री हो जाएगी, बाकी के पैसे के लिए सर कितना समय देंगे? बाकी 3 से 4 महीने टाइम मिल जाएगा, और वो भी समझिए कि मतलब रजिस्ट्री मतलब आपको 50% रजिस्ट्री करवा के रजिस्ट्री भी आपको दे देंगे। अच्छा सर ये बताइए, जैसे कोई रजिस्ट्री का लाया था 50% पे, आप कब्जा पोजीशन वगैरह कितने पेमेंट पे दे देते हो? 5100 टोकन कराए और कल से मकान बनाए फिर पैसे दें, मतलब 5100 में ही दे देंगे कब्जा? बिल्कुल 5100 में कब्जा मिलेगा। क्या बात है सर, मतलब पूरी सुविधा दे रहे हैं, क्लाइंट पे ट्रस्ट करके चल रहे हैं और सुविधाओं के साथ साथ भरोसा भी दे रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो यहाँ पे सर आप दोस्तों आ सकते हो, सर से बात कर सकते हो। राकेश सर एक बार फिर से थोड़ा एड्रेस बता दीजिए अपने मेन ऑफिस का और वृंदावन वाले ऑफिस का। जो मेरी जो मेन जो हेड ब्रांच जो होने वाली समय सेक्टर 37 फरीदाबाद पिलर नंबर 60 के पास होने वाली है, और एक ऑफिस जो हमारी होने वाली है समय की मेरो वृंदावन छठी गढ़ा बिल्कुल मतलब मेरो वृंदावन के ब्लू गेट के सामने होने वाली सर्विस रोड पे बिल्कुल। तो राकेश सर ये बताइए, इस साइड की तो आपने सारी जानकारी दे दी रेट की भी, इसके अलावा भी हमारे पास में और प्रोजेक्ट चल रहे हैं विकल भाई? अपने पास में 40 प्रोजेक्ट है, जो कि समझिए कि एक तो फ्री लॉन्चिंग अभी हमने वीडियो शूट करा, हमने अभी वीडियो भी बनाया, अभी आपने रील भी डालेंगे जी। तो हमारे पास में समझिए कि 3500 रुपये कैसे लेके और हमारे पास में 42000 तक रेट होने वाली है, और समझिए 40 प्रोजेक्ट है, आपको एक ही जगह आपको प्लॉट फ्लैट विला फार्म सब कुछ तो मिल जाएगा। मतलब अगर कोई वृंदावन में प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है तो एक ही मंजिल है साईं राम डेवलपर। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप यहाँ आइए, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी बजट होगा, उस बजट की प्रॉपर्टी सर आपको देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आपने करना है संपर्क सर से, मैं विकल्प लेता हूँ विदा, मिलता हूँ ऐसी किसी नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत।